गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब आज की जो वीडियो है वो बड़े ही कमाल की, बड़े ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि भाई साहब आज हम करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो कि हमने खुद ने भी नहीं सोची थी। तो गाइस, यहां पर हमारे पास में है बहुत सारी गाड़ियां, यहां पर हमारे पास है सुमो है, मार्शल है, हमारे पास ट्रैक्टर है, हमारे पास वैगनार है, i20 है, सफारी है, स्कॉर्पियो है, ट्रक है, यहां पर हमारे पास में ट्रक है, यहाँ पर हमारे पास में बस है। अबे कैसे भाग रहे हो? अरे यार लग गई पैर में। तो गाइस आज हम लोग दर्द हो गया यार, ऊंचा नीचा खेत है। तो गाइस आज हम लोग जो है पता है क्या करने वाले हैं, छाया में आ जाओ। तो गाइस आज हम लोग एक गाड़ी को लंबा करने वाले हैं, और हम जो है इस चीज़ में श्योर नहीं है कि कौन सी गाड़ी के साथ ऐसा किया जाए, क्योंकि इतनी सारी होने के बाद में कंफ्यूजन हो गया है। आप लोग बताओ किसके साथ करना चाहिए। तो गाइज मुझे जो इजी लग रहा है, थोड़ा सा जो थोड़ा सा आसान लग रहा है, वो क्या लग रहा है कि हम जो है इनमें से अगर हमारी इस वैगनार के साथ में ऐसा करेंगे तो शायद ये आसान रहेगा और बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि वैगनार जो है इन बाकी के कंपैरिजन में छोटी गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, इसकी चद्दर भी जो है थोड़ी सी पतली होती है, जिसको काटना तोड़ना जोड़ना जो है सारी चीज़ें आसान होगी, इसको उठाना उठाना भी आसान है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो वजन होता है 800-900 किलो होता है, तो ये कंपैरेटिवली ईजी रहेगी। तो गाइस आज इसको करने वाले हैं बहुत बड़ा। आप लोग सोच रहे हो कि लंबी बड़ी गाड़ी कैसे बड़ी होगी, तो गाइस वो तो हमारा काम है, गाड़ी को बीच में से आर पार काटना पड़ेगा, ऐसे ऐसे काटना पड़ेगा, उसके बाद में एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और फिर सोचो कितनी लंबी कार बन जाएगी और कितना मजेदार होगा। तो गाइस आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है भाई साहब वो दबाना बिल्कुल भी मत भूल जाना, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर हम लोग टारगेट रख रहे हैं गाइस फिर से 1 मिलियन लाइक्स का। जल्दी से लाइक का बटन ठोक दीजिए, क्योंकि ये जो मजेदार वीडियोस हैं ये आपके लिए ही बनाते रहते हैं। और गाइस मुझे नहीं पता कि ये करने में एक दिन लगेगा या दो दिन लगेंगे या तीन दिन लगेंगे या पाँच दिन लगेंगे, एक दो में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। चैलेंज हमने ले लिया है तो करके ही छोड़ेंगे, लाइक ठोक देना फटाफट से, शुरू करते हैं अब। दोस्तों हमारी इस गाड़ी के साथ में हमने वैसे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसके अंदर ही हमने सबसे बड़ा एलिफेंट टूथपेस्ट गाड़ी के अंदर भी बनाया था, और इसका ये जो शीशा है ये भी हमसे ही टूटा था पहले, ये भी एकदम सही था, और आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके की इसकी बॉडी है, और कहीं कहीं से इसकी बॉडी जो है थोड़ी थोड़ी जो है वो गल भी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लेकिन कोई जो है खास यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग सिंपली दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ी है उसको सबसे पहले तो यहाँ से कुछ यहाँ से काटेंगे, ये जो हिस्सा है ना यहाँ से काट देंगे, फिर गाड़ी के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़े को पीछे लेके जाएंगे, बीच में एक फ्रेम बनेगा जिससे कि आगे का और पीछे का हिस्सा जो अटैच रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है कि एक तो जो गाड़ी की टंकी होती है वो पीछे होती है, फिर जो गाड़ी के ब्रेक्स होते हैं वो आधे ब्रेक्स पीछे होते हैं, यानी कि पीछे के दोनों टायर्स में जो ब्रेक्स होते हैं, तो इन सबको जो है संभालना पड़ेगा, और साथ ही साथ में फ्रेम भी इतनी मजबूत होनी चाहिए जो कि गाड़ी का वजन झेल सके। और उससे भी बड़ी दिक्कत गाइस ये है कि इतनी जो बड़ी गाड़ी है उसको आर पार काटना ही अपने आप में चैलेंज है। Talking about
गाइज यहाँ पर हमने गाड़ी को बीचों बीच काट लिया, छत कट चुकी है, नीचे का हिस्सा भी थोड़ा सा कट चुका है, लेकिन गाइज अब जो बिल्कुल अंडर बैली है गाड़ी की वो नहीं कट पा रही है, क्योंकि वो जो हिस्सा है भाई बहुत ऐसी फंसी हुई जगह है। तो अब हम क्या करेंगे, वो नीचे वाला हिस्सा ऊपर लाने के लिए गाड़ी को पलटेंगे, और पलटने के बाद किसे पलटेंगे, गाड़ी को पलटेंगे इसे, हाँ हाँ इसको पलटेंगे। तो भाई गाड़ी को क्या कर रहा है, अरे जेसी वाले को फोन मिला रहा हूँ, उसको बुलाएंगे। अरे इसकी जरूरत नहीं है, रुक जा अभी अभी दिखाते हैं इसको, आ जाओ रे सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रो ओ मग जा, जा रे चलो चलना, जा रे चलो, ओ चलो एक बार गाइस अबे गाड़ी खड़ी कर दी, और करो ओए आराम से, अरे कहाँ गए, अब आ जाओ ना, पकड़ो उधर से, अबे कहाँ गए साला, अरे आ जाओ, रोक के रखो, नहीं नहीं रुक जाएगी इधर, तो गाइस गाड़ी जो है एक बार पकड़ के रख लो इसको, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, पकड़ लोगे, तो भाई गाड़ी जो है ना कुछ इस तरीके से पलटती है, देखो यहाँ पर जो है गाड़ी रुक जा यहाँ पर जो है गाड़ी को हमने आड़ा कर रखा है, इधर से जो गाड़ी है वो हवा में उड़ चुकी है, और ये जो है इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाने के लिए रोक रखा है। चलो मैं कैमरा जो है उसको वापस से फिट कर देता हूँ और गाड़ी को उल्टा देते हैं। चलो धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे, वेट रखना मतलब पकड़ के रखना, चलो आन दो, चलो चलो धीरे धीरे, पैर नीचे मत दे देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पैर ही कटेगा इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, हाँ अरे पैर नहीं आएगा, वो ऊंचा है थोड़ा, तो भाई साहब गाड़ी आड़ी कटा ली हम लोगों ने, अरे देखो अबे यार अब सही है, अब इसको आराम से काटा जा सकता है यहाँ से, साइलेंसर है गाइस इसका देखो। तो गाइस ये जो है गाड़ी की टंकी आ चुकी है, और ये सेटअप हमको वापस से भी चाहिए होगा, क्योंकि ये जो है बड़ी गाड़ी के अंदर लगाना पड़ेगा, हाथों की हालत आप लोग देख सकते हो, यहाँ से स्पेस खाली होगी, अब हम इसको बढ़िया से काट सकते हैं। अभी जो ब्रेक फ्लूड की जो पाइप्स हैं उनका और यहाँ पर दिक्कत है यार, क्योंकि ब्रेक ऑयल जो है वो निकल जाएगा इनको कटने से, तो इनको भी बचाना पड़ेगा। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, खोल दो खोल दो खोल दो, बस इसको काट दे। अड़ा तो भाई यहाँ पर जो है गाड़ी के दो टुकड़े अलग अलग हो गए हैं, इसको इधर लो ना, इधर लो ना, इधर लो ना, अलग करो, चलो दूर ले चलते हैं इसको, तो इधर आके दिखाना, देखो जो गाड़ी है वो यहाँ पर ही आधी रह गई है, वहां से शुरू है यहाँ तक खत्म है, और वो पीछे का हिस्सा देखो कहाँ घूम रहा है, अरे क्या कर रहे हो इस चीज से एक चीज और साबित होती है कि गाड़ी के पिछले हिस्से में वेट नहीं होता, जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती है, क्योंकि इंजन आगे होता है तो उसको जो है बहुत आसानी से आगे पीछे करा जा सकता है, लेकिन इसके अंदर वजन है। एक बार इसको भी उठाएं क्या, इसमें देखते हैं कितना है, इसको उठाओ इधर से, उठाओ चलाओ चलो चलो धक्का मारो, गियर में है क्या, नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम इन बड़े बड़े साइज के पाइप का यूज करेंगे गाड़ी के इस हिस्से में घुसाने के लिए, और अरे चारों एक साथ मत लगाओ, एक बंदा पकड़ लो, ठीक है ये घुस गया,
तो गाइज यार फाइनली 5 दिन गाड़ी के ऊपर काम करने के बाद में हमने सोचा कि आपको गाड़ी सीधा रेडी ही दिखाते हैं। बीच का जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो हमने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि नहीं तो जो मजा है आपका पूरा गाड़ी को देखने का वो थोड़ा सा खराब हो सकता था। तो गाइज आज है 5वां दिन, गाड़ी पर काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। आपने देखा कि हमने फ्रेम लगाई, उसके बाद में हमने गाड़ी में और भी कई चीज़ें करी, वो आपको दिखाएंगे। साथ में गाड़ी में टंकी भी फिट करी, गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो भी ख़राब हो गए थे तो ब्रेक भी हमको अलग से बनाने पड़े ताकि जो गाड़ी है वो भाई रुक सके यार, नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो अब आपको वो गाड़ी दिखाने की बारी है और क्या हमने बनाया है वो दिखाने की बारी है। अगर मज़ा आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो मत करना, ठीक है। अगर आपको लगे कि मेहनत करी है गाइस, कुछ किया है, तो बस वो लाइक का बटन ठोक देना, चाहो तो अभी ठोक सकते हो, ठीक है। तो भाई बड़े गाड़ी की तरफ, ठीक है। तो इन 3, 2, 1 हियर यू गो। ये है हमारी वो गाड़ी जिसको हमने लंबा कर दिया है और आप लोग देख सकते हो कि जो गाड़ी की लंबाई है गाइस वो सीरियसली बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। देखो गाड़ी कहां से शुरू हो रही है, गाड़ी कहां खत्म हो रही है भाई साहब। और अब जो है हम इसको रोड पर भी ला चुके हैं। गाइस हम इस गाड़ी को बिल्कुल भी चलाकर नहीं लेके आए, हम इसको टो करके लेके आए हैं। वो हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है जिससे हम इसको टो करके लेके आए हैं, क्योंकि हमने सोचा कि आपके साथ ही जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब उस टेस्टिंग की बारी है, वो घड़ी आ चुकी है भाई कि अब ये जो है चालू होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी सारी मेहनत है गाइस वो लगी हुई है। और आप लोग सोचो कि इतना टाइम हमने इसके अंदर दे दिया, क्योंकि गाइस जो चीज़ें छोटी छोटी दिखती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन एक बार पहले आप गाड़ी का लुक देख लो यार, कितनी लंबी है यार ये, मतलब यहाँ से गाड़ी शुरू होती है। देखो मैं चल के जा रहा हूँ, मैं चलते जाऊँगा, गाड़ी ख़त्म नहीं हो रही अभी भी नहीं हो रही। अब जा करके जो गाड़ी है उसकी पूरी लेंथ जो है इसके अंदर कवर हो पाई। और मेरे एक बार मेरे कंपेरिजन में देख लो इसका साइज़, देखो कितना बड़ा है ना, मस्त चीज़ है ना। तो गाइस इस गाड़ी के लिए अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइक का बटन जरूर से ठोक देना। तो अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है, गाड़ी चलती कैसी है। दो लोग यहाँ बैठ सकते हैं और पीछे यहाँ पर गाइस पर्दा लगा है, तो आपको अंदर की चीज़ें इस पर्दे की वजह से नहीं दिखी होंगी। तो अब जो है आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये अपने आप कैसे बंद हो रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। तो गाइस आ जाओ, यहाँ अंदर घुसने के लिए पीछे ये डोर है और इसी डोर का यूज़ करके हम जो है पीछे घुस सकते हैं। ये जो है खुद इस तरीके से खुल जाता है और अब हम गाइज इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गाइज जूते नहीं ले जा सकते, लेकिन जूते रख जरूर सकते हैं। ये जो जगह है ना गाइज ये सिर्फ जूते रखने के लिए ही है। तो अब मैं घुस रहा हूँ गाड़ी के अंदर, कैमरा भी जो है गाड़ी के अंदर आ जाएगा, मुझे दे दो कैमरा। तो गाइज यहाँ पर हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और जो सबसे पहली चीज आपने नोटिस करी होगी वो होगी गाड़ी की लंबाई। देखो भाई साहब कहाँ तक गाड़ी जा रही है, इधर से शुरू है, कैमरा आगे करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दिख रहा है। देखो वहां से वहां तक गाइस कितनी लंबी है गाइस गाड़ी, समझ में आ ही रहा होगा आपको ऑलरेडी। पीछे जो है दो लोगों के बैठने की जगह है और ये भी गाइस इसीलिए काली पीली हो रखी है क्योंकि हमने इसमें एलिफेंट टूथपेस्ट बनाया था और ये साफ नहीं हो पाया। ये वैसे गंदा नहीं है बट इसका कलर जो है उसमें फूड कलर घुस गया था, लेकिन गाड़ी वही है गाइस। देखो यार दूरी देखो। अब यहाँ पर आपको सबसे मजेदार चीज दिखाते हैं, गाड़ी पूरी बंद है यहाँ पर, सबसे मजेदार चीज है गाइस ये है एक फुल साइज बेड जो कि हमने जिस तरीके का हमारी बस में बनाया था उससे भी जो है बढ़िया एकदम ये फिटिंग के साथ में गाड़ी के अंदर बनाया गाइस। ये 6x4 फीट का फुल साइज का बेड है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ से शुरू है यहाँ तक पूरा खत्म है, पूरा इसके अंदर बढ़िया से फिट आया है। और इसके ऊपर भाई साहब सोया जा सकता है, इसके ऊपर जो है दो लोग आराम से सो सकते हैं, पीछे जो है दो लोग बैठ भी सकते हैं। और उससे आगे गाइज है ये फ्लोर एरिया। अरे माइक कैसे निकल के भग रहा है गाइज, इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो
यहाँ पर हमने जो है रेड कारपेट बिछाया हुआ, और जो पूरा एरिया है ना गाड़ी के अंदर का, वो बाहर से कोई अंदाजा ही नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। बाहर से लगता है ये क्या है मतलब, लेकिन गाइज अंदर जो है पूरा कमाल है। यहाँ पर है गाइज इस गाड़ी की टंकी, और ये जो दो पाइप से हमने जानबूझ के बाहर रख दिए ताकि आपको दिखा सके, इसमें से इसका पेट्रोल डलता है, क्योंकि जो टंकी है ना गाड़ी में वो काफ़ी पीछे होती है। तो हमने टंकी को निकाला, फिर टंकी को यहाँ पर फिट कर दिया, और अब जा कर के जो गाड़ी है उसकी सारी चीज़ें जुड़ चुकी है। जो टंकी के वायर्स हैं उनको फिर से कनेक्ट किया, यहाँ पर जो है अलग से नीचे स्ट्रक्चर बना करके टंकी के लिए जगह बनाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई गाड़ी हमने ये किस तरीके से बनाई, जो पार्ट आपने नहीं देखा। तो हमने ये फ्रेम बनाई थी, उसके बाद में हमने नीचे की फ्रेम बनाई, उसके ऊपर पूरी पे हमने प्लाई बोर्ड लगाए ताकि ये फ्लोर बन सके। उस प्लाई बोर्ड को लगाने के बाद में यहाँ टंकी लगाने के लिए अलग से फ्रेम बनाई, और ये सब होने के बाद में पूरे के ऊपर जो है हमने ये मैटिंग करी। मैट करने के बाद में यहाँ पर जो ये बेड है, एक बार पीछे दिखाना, ये जो बेड है, जो गद्दा है हमारा, ये हमने डाल दिया, और पीछे आप देख सकते हो दो सीट्स हैं वहाँ पर। तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ ही गया होगा इसके अंदर, लेकिन अभी मज़ा और बाकी है, क्योंकि अभी गाड़ी को चलाना बाकी है। ये पर्दा है, अगर अपने को ड्राइवर से अलग करना है केबिन को, तो गाइस हम यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। अभी अपना सेपरेट केबिन बन चुका है, लेकिन मज़ा अभी आएगा क्योंकि अब जो है गाड़ी चलेगी, और चलती गाड़ी के अंदर अंदर का नज़ारा कैसा रहता है वो भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। चलो भाई गाड़ी को चलाते हैं, और देखो यहाँ पर ठीक ठाक जगह है, मतलब कोई बंदा आराम से आ करके और यहाँ पर सो सकता है खूब मज़े के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो चलो। तो भाई साहब अब चलाते हैं गाड़ी को, ठीक है। अब बिना देर किए मैं गाड़ी को स्टार्ट, ये हम लोग अंदर बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और भाई साहब पहले अरे अरे ढलान में थोड़ी सी गाइस, गाड़ी जो है नीचे जा रही है। तो अब हम जो है यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार गाड़ी स्टार्ट हो रही है गाइस, लिटरली हमने कुछ भी नहीं किया, टो करके लाए थे गाड़ी को और स्टार्ट हो गई। इसका मतलब जो पेट्रोल वगैरह है वो सब कुछ एकदम बढ़िया से काम कर गया, टंकी वंकी सब प्रॉपर कनेक्टेड है, जो ब्रेक्स है उनको अलग से करना पड़ा। तो यहाँ पर एक बार ब्रेक की टेस्टिंग भी थोड़ी सी कर लेते हैं, ढलान है पीछे, रिवर्स गियर ही डालते हैं। ओए ओए हाँ, ब्रेक भी बढ़िया काम कर रहा। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे गाइस, पहला गियर डाल दिया मैंने, और वाओ, लेकिन लग ऐसे रहा है गाइस कि मैं जो है नॉर्मल वैगनार चला रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ब्रेक मारे तब मुझे फील हुआ ऐसे ऐसे हुई पूरी गाड़ी। चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आवाज थोड़ी सी तेज आ रही है, और मिरर विरर सब बढ़िया से काम कर रहे हैं, बहुत लंबी दिख रही है भाई साहब गाड़ी लेकिन गाइस ये सक्सेसफुली चल रही है। वो भाई साहब गाड़ी चल रही है, अबे कहां तक है पीछे, ओए अबे पीछे तक है यार। यहां पर मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, ठीक है, अलग ही फील है ना, घुमा रहा हूँ इधर, घुमा रहा हूँ। अरे कितना दूर में आके घूम रही है ये, भाई साहब बस ट्रक की तरह घूम रही है गाड़ी। तो भाई अब इसको चलाते हैं थोड़ा सा तेज और देखते हैं कि ये कैसी चलती है भाई, लेकिन मेरे को तो पीछे देख कर बड़ा अजीब सा लग रहा है, बस वाली फीलिंग आ रही है कि बस चला रहे हैं यहाँ पे। अबे स्पीड पकड़ जाती है भाई साहब, कितना तेज लग रही है ये, और पिकअप विकअप उतना ही है, कुछ बदला है नहीं, आवाज जरूर यहाँ पर गाइस थोड़ी सी तेज हो गई है। चलो जो है यहाँ पर फीलिंग आ रही है इस गाड़ी के अंदर, और मुझे बड़े ध्यान से इसको चलाना भी पड़ रहा है, लेकिन गाइस नहीं, जो गाड़ी की मजबूती वगैरह ना गाइस वो एक नंबर है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भी तरीके की नहीं आ रही है। और गाड़ी जो है अभी फिलहाल चल रही है 50 की रफ्तार पे, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर गाइस नहीं है।
बाइक की आवाज होती है ना गाइस, और मुझे लगता है इसका रीजन है कि वो साइलेंसर जो कि हमने काट दिया है, ये आइडल में भी इतना तेज आवाज करती है। देखो इतना तेज जो है इसकी आवाज। ओए रुक जाओ, रुको एक बार, रुको रुको गाइस, मैं काम कर रहा हूँ अब जो है, गाड़ी में बंद कर रहा हूँ। मैंने इसको लगभग 1.5-2 किलोमीटर चला लिया है। अब ये जो गाड़ी है मैं दे रहा हूँ करतार को, मैं जा रहा हूँ पीछे, जो बैठने की जगह है ना, जो लिविंग एरिया है इसका, जिसमें बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, मैं जा रहा हूँ वहां पे, ठीक है? तो चलो। तो भाई साहब आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ। गाइस दोनों साइड के गेट खुलते हैं, ये गेट का सिस्टम बनाने ही सबसे मुश्किल था। अरे खुल क्यों नहीं था गाइस, यहाँ पे लॉक है, ठीक है? अब खुल जाएगा गेट और मैं जा रहा हूँ अंदर, कैमरा भी आ जाएगा अंदर, जूते अंदर ही निकाल लेंगे। तो भाई साहब अब जो है गाड़ी चलने वाली है। अब यार इसकी लंबाई वास्तव में बहुत ज्यादा है। स्टार्ट हो गई। अरे रुक जा, इसको बैठ जाने दे, मोहित को, अल्लाह मेरे को दे दे। तो भाई साहब हम जो है फिलहाल गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और थोड़ी सी लाइट जो है गाइस वो ज्यादा कम हो गई, रुको। तो भाई साहब गाड़ी के अंदर हम लोग आ चुके हैं, गाड़ी स्टार्ट तो हो ही गई है, अब चल रही है। ओए चल चल चलो 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 चलने दे। तो भाई साहब अब हमारी जो गाड़ी है अबे वो चल रही है भाई साहब, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर आके मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है वैसे तो, लेकिन ये हिल रही है। ओए कुछ पकड़ना पड़ेगा यार, ओ शिट यार अरे यार भाई चलती हुई गाड़ी इतनी लंबी यार, मतलब अपने आप में बहुत वो है। और यहाँ अबे अबे क्या है, बड़ा ब्रेकर है कोई गाइस, गाड़ी लंबी है तो नीचे टच भी हो सकती है। चलो चलो अरे कुछ रगड़ा है क्या कोई नहीं जान दे गाइस, नीचे मुझे लगता है कुछ ना रगड़ गया, क्योंकि गाड़ी अरे यार इतनी तेज वो आ रही है, इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टच हो गया है नीचे, क्योंकि गाड़ी की लेंथ इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली नीचे से टच होना बनता है, ब्रेकर आएंगे टच होगा। ऑडियो आ रही है इसमें, चलने दे। अरे कोई नहीं मुझे लगता है जो साइलेंसर है ना वो थोड़ा नीचे हो गया है, और अब वो नीचे जो है, अरे फिर से लगा रे जाने दे। अरे बहुत तेज आवाज आ रही है भाई साहब, बहुत तेज आवाज आ रही है, लेकिन कुछ भी कहो। हाँ अरे रो चलने दे। अरे कहाँ घुमा रहे, अरे इतनी बड़ी गाड़ी घूम रही है, बड़ा अजीब लग रहा है भाई। मेरे को कैमरा देना गाइस, कुछ भी कहो लेकिन जो मजा है वो अलग। ओए आराम से चला गाइस, आप लोग भले ही कुछ भी कहो लेकिन जो मजा है ना वो बिल्कुल जो है इसके अंदर आ रहा है, बहुत ज्यादा अलग सही है। गाइस गाड़ी के अंदर जो है लाइट वगैरह तो नहीं है, लेकिन मजा बहुत ज्यादा है यार इसके अंदर। झटके बंदे देखो गाइस, गाड़ी यहाँ से शुरू हो रही है, इधर देखो अभी अंधेरा हो रखा है फिलहाल, और देखो वो लोग वहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये देखो गिर मत जाना। और गाइस देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये टंकी है, ये चप्पल किसने निकाल दिया यार, गाइस ये टंकी है गाड़ी की, और लंबाई देखो भाई साहब, एक बार गाड़ी की लंबाई देखो एक बार, वाव कहीं से कहीं तक है, देखो ये टंकी है, देखो कहाँ तक है। अबे ये कैसे कर दी तुम लोगों ने, इसको सही तो कर लो, ये चद्दर कैसे कर दी। और देखो पूरा फ्लोर गाइस एकदम सॉलिड है, एकदम मस्त है, ये देखो ये इसकी फ्रेम है यहाँ पर। तो भाई साहब यहाँ पर हमने, अरे मैंने चप्पल भी नहीं पहने, जूते भी नहीं पहने। तो गाइस हमने हमारी इस लंबी गाड़ी के अंदर जो है काफी ट्रेवल कर लिया है, और भाई साहब ये जो है एकदम मस्त चलती है ना, आप लोगों ने भी देखा अंदर जो है वो काफी सारा स्पेस है, आप लोगों ने वो भी देखा है, सोने की जगह भी है, बैठने की जगह भी है, चार सीट भी है, चार हाँ चुका इस चार सीट है यहाँ पर, और पूरा जो है एरिया कवर्ड है, सर्दी गर्मी बरसात में हमको ये जो है बचा सकती है, हवा से बचा सकती है। गाड़ी के एसी अगर चला दो तो पूरा जो एरिया है वो ठंडा हो जाता है, और अंदर जो है एक नंबर काम है। बस के अंदर हम एसी नहीं लगा पाए थे, लेकिन गाइस गाड़ी के अंदर तो एसी अपने आप ही लगी आती है, तो इस वजह से जो ठंडी हवा है वो काफ़ी पीछे तक जाती है। लेकिन सिर्फ एक गड़बड़ है कि इतना लंबा एरिया होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है कूलिंग में, लेकिन गाइस हो तो रहा है ना काम। अब आप इस गाड़ी की लंबाई देख लो एक बार, ये डिग्गी खुली होकर के तो मेरे हिसाब से 30 फुट भी क्रॉस कर जाएगी। तो गाइस भाई साहब अब जो है मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गाइस, मैं क्या हम सब लोग ही थक चुके हैं यहाँ पर,
सब लोगों ने किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन रात को, कभी दिन में कर कुरा के इस गाड़ी को जैसे कैसे करके बनाया है, क्योंकि हम लोग रोजाना या ऑल्टरनेटिव बेस पे वीडियोस भी डालते हैं, तो इस वजह से इसको एक साथ बनाना भी इतना ईजी नहीं था। चलो ठीक है गाइस, मज़ा आ गया। वीडियो के लिए लाइक का बटन ठोकना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें और बनाते रहें। यार मज़ा तो अलग ही है, इसको देखने में अलग मज़ा है। ठीक है, तो वीडियो के लिए लाइक। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और लाइक तो आप अपने आप ही कर दोगे यार, अगर आप जब आप कोई चीज़ क्या बनी है यहाँ से देख के तो कुछ भी नहीं अंदाज़ा लगता। एक बार इधर आना गाइज, आपको ये फ्रंट लुक देखो, वीडियो खत्म हो चुकी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं लग रहा कि ये कुछ है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा साइड में होते हैं तब सोचते हैं कोई भी कि ये क्या है, ये कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म। और मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो हमने लोहे का फ्रेम बनाया, इतना सिंपल फ्रेम जिसको बनाने में टाइम तो लगा लेकिन फ्रेम एकदम सिंपल था, पाइप से बनाया था, वो इस गाड़ी का वजन झेल पाया है। और ऐसे ही नहीं, जब ये 60 पे 70 पे भग रही है तो भी झेल पाया है। तो गाइस अब क्या करेंगे, अब इसको ले जा करके अपने घर खड़ी करेंगे। चलो ठीक है, नमस्कार, बाय बाय। 2 बार इंट्रो हो गया आज तो।